अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही डिफरेंट सी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। वो है जी आलू के कबाब। तो आप नोट कर लें कि आपको क्या कुछ चाहिए। ये है जी, मसालों में लाल मिर्च पाउडर जाएगा, ये खुश्क धनिया पाउडर है, ये है जी हल्दी पाउडर, और यह है गरम मसाला पाउडर, ये है जी कसूरी मेथी, और यह है सॉल्ट, और यह है जी अजवाइन, एंड ये है जी ये हैं ग्रीन चिलीज़ बारीक चॉप की हुई, ये है प्याज जो इसमें ऐड होगा, और ये है हरा धनिया। तो ये सब मसाले और ये सब चीज़ें मैं ऐड करने वाली हूँ, मिक्स करने वाली हूँ। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप सबने ज़रूर ट्राई करनी है, और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो आलू मैंने उबाल लिए थे, उनको मैश कर लिया था, अब ये सब कुछ मैं उसमें ऐड कर दूँगी। ये है जी हरा धनिया, प्याज और हरी मिर्च और सारे मसाले, अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। सब चीज़ों की क्वांटिटी आपने अपने हिसाब से ही रखनी है। जो न्यू देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। थैंक यू। बहुत ही अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। इसमें आलू ऐड है, इसमें चिकन वगैरह नहीं है, इसलिए आप इसको चॉपर वगैरह में नहीं करेंगे। बेहतर है कि आप इसको इसी तरह हाथों से ही आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। कबाब्स की शेप देती हूँ मैं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट बताती हूँ कि क्या करना है। कॉर्नफ्लेक्स भी लगा के फ्राई करूंगी, और बहुत ही मज़ेदार से ये रेडी होंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक अदद अंडा, मैंने उसको अच्छे से फेंट लिया है। इस तरह से कबाब्स को रेडी कर लिया है, और अब मैं ऐड करने वाली हूँ इसमें, एग में डिप करूँगी, और फिर मैं ये कॉर्नफ्लेक्स में डिप करके फिर मैं अच्छे से कोट करना है इसके ऊपर कॉर्नफ्लेक्स, और फिर हम इनको करते हैं जी फ्राई। और ये इस तरह से देख ले आपके, माशाल्लाह से बहुत अच्छी कोटिंग हुई है, और अब हम इनको करने वाले हैं फ्राई। फ्राइंग का जो पार्ट था वो मिस हो गया था, तो इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। कम ऑयल में ही आपने इनको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करना आपने पैन में। तो बस ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, और अब मैं ये केचप के साथ जो है वो टेस्ट करने वाली हूँ। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपसे किसी नई वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।